If function f is from R to R be defined as fx is equal to x cube plus 3x square plus 6x minus 5 plus 4 into e raised to power 2x and gx is equal to f inverse x, then find g dash minus 1. तो अगेन अगर हम देखेंगे यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास में, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 प्लस में 4 इंटू ई रेस्ट पावर 2x। अगर हम यहाँ से एफ डैश एक्स देखें, एफ डैश एक्स क्या जाएगा हमारे पास में 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 माइनस 5 का डिफरेंशिएशन 0 और 4 इंटू ई रेस्ट पावर 2x का डिफरेंशिएशन 8 इंटू ई रेस्ट पावर 2x। हमें पता है ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, लेस देन 0 है, 36 माइनस 72 विच इज माइनस 36, तो लेस देन 0 है तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा इसलिए, और ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है इसलिए क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी नेगेटिव नहीं होते हैं अगर बेस पॉजिटिव हो तो। यहाँ से अगर हम देख सकते हैं तो एफ डैश एक्स क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो मीन्स हमारा जो एफ एक्स है वो क्या है, ऑलवेज एक इंक्रीजिंग टाइप का फंक्शन है। अब हमें गिवन है कि जी एक्स क्या है, एफ एक्स का इनवर्स फंक्शन है, तो हमें पता है कि जो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स होगा वो क्या होगा हमारे पास में, ये हो जाएगा इक्वल टू एक्स, क्योंकि इनवर्स फंक्शन में जब हम एफ क्या बोलते हैं हमारा फंक्शन पुट करते हैं तो वैल्यू एक्स के इक्वल आती है, डिफरेंशिएट कर देते हैं यहाँ से, तो यहाँ से आएगा हमारे पास में जी डैश एफ ऑफ एक्स, ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, इंटू में अब क्या आएगा एफ एक्स का डिफरेंशिएशन भी होगा, तो आ जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1। अब देखते हैं यहाँ पे, अब हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है कि हमें वैल्यू किसकी बतानी है, हमें वैल्यू बतानी है जी डैश माइनस 1 की, तो जी डैश माइनस 1 का मीनिंग है कि हमारे पास में जो एफ एक्स है उसकी वैल्यू होनी चाहिए माइनस 1 के इक्वल। अब एफ एक्स की वैल्यू माइनस 1 के इक्वल होगी कब, पहला क्वेश्चन ये आता है, तो जब हम यहाँ पे अगर हम देखेंगे हमारे फंक्शन ये है एफ एक्स, मैंने यहाँ लिखा है फंक्शन, अगर इस एफ एक्स में मैं एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो फर्स्ट टर्म 0, सेकेंड टर्म 0, थर्ड टर्म 0, 4 इंटू ई रेस्ट पावर 0 कितना जाएगा प्लस 4, तो माइनस 5 प्लस 4 कितना जाएगा 1, तो x इज इक्वल टू 0 पे हमारा एफ एक्स क्या हो जाएगा इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा, और हमें पता है ये ऑलवेज इंक्रीजिंग है, तो x इज इक्वल टू 0 के अलावा और किसी पॉइंट पे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, कभी माइनस 1 नहीं होगी, तो x इज इक्वल टू 0 पे हमारा फंक्शन हो गया माइनस 1। तो इनडायरेक्टली अगर हम देखेंगे तो हमें g डैश f क्या बताने, x की वैल्यू अगर मैं जैसे 0 पुट करूंगा तो यहाँ से क्या जाएगा, ये हो गया g डैश f ऑफ 0 इज इंटू में क्या हो जाएगा f डैश 0 इज इक्वल टू 1 हो गया। अब एफ डैश 0 की वैल्यू क्या आएगी अगर हम यहाँ देखेंगे तो आएगी हमारे पास में 3 इंटू 0 फिर आएगा प्लस में 6 इंटू 0 फिर आएगा प्लस में 6 फिर आएगा 8 इंटू ई रिस्ट पावर 0, तो पूरी वैल्यू क्या होगी सम होकर के हमारी आ जाएगी 14 के इक्वल, तो एफ डैश 0 क्या गया हमारा 14 के इक्वल, और एफ ऑफ 0 कितना आता है माइनस 1, तो आएगा जी डैश माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 14। So answer for this question is equal to g dash minus 1 is equal to 1 by 14. So answer for this question is 1 by 14 is the answer. Okay?